तो फ्रेंड्स आज आया है वीडियो में एक नया इंट्रो, देख सकते हैं एक बार दोबारा शुरू से। तो अभी हमारे पास एक लेड एसिड बैटरी है, तो इसको तोड़ने वाले हैं और देखने वाले हैं कि इसके अंदर क्या होता है। हमें कुछ सामान चाहिए इसको तोड़ने के लिए, तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहले जो होता है इसका ये कैप होती है, इसको हटा लेना है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप ऐसी वीडियोस देखते रहें और नाइक्रोम और लेड एसिड बैटरीज के बारे में जानते रहें। तो ये 4 वोल्ट 1 AH 1 एम्पेयर हावर की बैटरी है। एक MAH होता है बट ये AH की बैटरी है। 1 AH इज इक्वल टू 1000 MAH, तो इस बात को आप नोट कर सकते हैं या फिर आप याद भी रख सकते हैं। तो दोस्तों अब इसको टीयर ऑफ कर लेते हैं कुछ ऐसे। और दोस्तों प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए कि इससे आगे किस चीज़ की वीडियो बनानूं, उस हिसाब से मैं अगली वीडियो तैयार करता हूं। तो दोस्तों ये यहां पर आप देख सकते हैं, ये इसका कैथोड पार्ट होता है। इसमें दो पार्ट होते हैं, एक कैथोड पार्ट और एक एनोड पार्ट। और ये बीच में ये आप देख सकते हैं, ये है ब्लैक वाला पार्ट, ये होता है एनोड पार्ट। ये जल्दी ख़राब हो जाता है जिससे बैटरी ज़्यादा देर नहीं चलती, ज़्यादा दिन नहीं चलती और रिचार्ज भी लगभग ये बैटरी 30 से 40 बार रिचार्ज हो सकती है। और इसके अंदर ये रुई जैसा होता है जिसमें H2SO4 एसिड भरा होता है, वो डाइल्यूटेड होता है, पानी होता है उसके अंदर थोड़ा सा, जिससे इसके अंदर आयंस बनते हैं और बैटरी नाइक्रोम को चला सकती है। तो दोस्तों मैं इसको निकाल लेता हूँ क्योंकि इसकी अभी ज़रूरत है, हम इसे बैटरी बनाने वाले हैं। अगली वीडियो में बैटरी बनाना सिखाऊंगा और वो भी किससे, वो अगली वीडियो में ही जानेंगे। तो दोस्तों अभी के लिए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट तो करना बिल्कुल ना भूलिए कि कमेंट ज़रूर करना, ज़रूर करना। तो दोस्तों यहाँ पर ये एनोड पार्ट आप देख सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।